विद्यालय परिवार के समस्त हमारे प्रिंसिपल साहब, राय साहब, सुरेंद्र जी, मीना साहब, बागेश जी, मीना साहब, अजय जी, सोनी, पवन कुमार जी, दिलीप कुमार जी, कन्यालाल जी, भवरलाल जी व जमनालाल रमेश से संध जी खराड़े और हमारे संथालीय संस्था से मोनालिसा कोलकाता विनोद भाई जांजर बाखेल माया कुमारी कुकावर, इन लोगों का बहुत ही सराहनीय सहयोग रहा है आज के प्रोग्राम में। और हम यहाँ पर बैठे हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग माता बहने, ये आपने शायद ही कभी देखा होगा कि हमारे विद्यालय के अंदर इस प्रकार का बहुत ही शानदार प्रोग्राम आज प्रस्तुत। मुझे नहीं लगता कि माड़वा बेल्ट के अंदर ऐसा कोई प्रोग्राम किया गया होगा। दूसरा, यहाँ पर जितनी भी प्रस्तुतियां दी गई है इस मंच से, वो समझने के लिए है, सोचने के लिए है, ना कि केवल नाकी मत समझिए आप, क्यों कि एक एक प्रस्तुति के पीछे बहुत ही बड़ा गहरा राज छुपा है। अभी यहाँ पर प्रस्तुति पेश की गई वो बाल श्रम के उपलक्ष्य में थी, तो हम यहाँ पर कई ऐसे भी माँ बाप बैठे हैं जिन बच्चों को पढ़ाने की बजाय हम बीटी कपास गुजरात में भेजते हैं और वहाँ पर हमारे लड़का लड़कियों के साथ में क्या सल्लूक होता है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। अब मैं 26 जनवरी 1950 को अपना देश का संविधान लागू हुआ, इनसे पहले हमारे देश की क्या हालत थी, हमारे देश के अंदर कितने कितने बड़े बड़े आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमणकारियों ने देश को लूटने में, देश को तोड़ने में, देश की संस्कृति को छीन भीन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ जिसमें छोटे से लगाकर समस्त बिरादरी मजहब जाति धर्म को मद्देनजर रखते हुए हमारे डॉक्टर हेडगेवार ने इन चीज को बड़े सूझबूझ से लागू किया। एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हिंदुस्तान का संविधान है ऐसा उदाहरण किसी भी देश संसार के अंदर नहीं मिलता। उसी संविधान की बदौलत आज हम सब स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, पढ़ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, कोई भी धंधा करने की आजादी मिली तो आज के दिन मिली। इसलिए मैं खास करके मेरे गांव वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो कम से कम अपने बाल बच्चों को स्कूल भेजे, जिसके बच्चे का नामांकन नहीं है तो स्कूल में आके नामांकन करावे और कोशिश करेंगे अपना बच्चा। एक मैं उदाहरण दूंगा, इसी विद्यालय में पढ़ने वाली एक हमारी मीरा कुमारी यहाँ पर आपके बीच में बैठी है, वो आप सब देख सकते हैं जितनी मेहनत लगन से पढ़ाई करी, इसलिए हमारे सबके सामने और गवर्नमेंट की वर्दी पहन के बैठी है। ये आप भी कर सकते हो, लेकिन कुछ कमजोरियां ऐसी भी है, हमारे माँ बाप चाहते हैं कि 10 साल 11 साल की बच्ची हो जाती है तो कहते हैं कोई दलाल आएगा बीच में दो पोटली पीने वाला, वो कहता है अरे यार अच्छा आदमी है तेरी बच्ची की सगाई कर दे, वो धनवान है, वो ऐसा है। भैया ऐसा मत करिए, आप इसका मांडल देख रहे हैं तो यहाँ पर सामने दिखता है, देख लीजिए कि जिन बच्चियों ने 10, 11, 12, 15 साल में शादी करी वो दो दो बच्चे लेके मेरे सामने बैठी है। और कोई अभाग्य बाप होगा, कोई नाराज नहीं हो कि अपनी बच्ची को इस प्रकार व्यवहार करके, इस प्रकार संबंध करके मत दो। अपनी बच्चियों के अंदर जो प्रतिभा है, जो हुनर है, वो निखरने का कम से कम उसको मौका दिया जाना चाहिए। और आज मुझे इतनी अपार खुशी है, जितना हमने कई प्रोग्राम अटेंड किया हमारे कोटा में, लेकिन आज जितना मुझे मजा आया ये पता नहीं लगा कि 12, 12:30 बजने आए, लेकिन हमको लग रहा है कि आधा घंटा बैठे। इसलिए
कम से कम बच्चा के सामने तो भैया मत पियो, बीड़ी पीते हो तो अपने बाल बच्चों के सामने मत पियो, जो भी चीजें करते हैं तो कम से कम बच्चों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए करो। हम तो बिगड़े, हम तो निश्चित रूप से बिगड़े हैं, और मुझे आज ये लगा कि मैं इस स्कूल का विद्यार्थी होता तो मुझे कितनी खुशी होती। मैंने भी पढ़ाई छोड़ी, 8वीं तक पढ़ने के बाद मैं पढ़ाई नहीं कर सका, आज मुझे दुख होता है। लेकिन ये नन्हे-मुन्ने बच्चे हैं, उन माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है भैया मेरा हाथ छोड़ के कि कम से कम उसके भविष्य को बाट मत लगाइए। जय हिंद, जय भारत।